देखिए, आई एम वेरी ब्लेस्ड फर्स्टली, क्योंकि इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे मुझे मेरी ये सेकंड फिल्म होगी, और क्योंकि अभी न्याय द जस्टिस का शूट चल रहा है मेरा, और वो आने वाले 12th तक कंप्लीट हो रहा है। तो जब डायरेक्टर ने मुझे, राहुल जी ने स्टोरी का नरेशन दिया था, तो आई रियली लाइक इट, एंड इट्स अबाउट, वो लव स्टोरी पे है थोड़ा सा वाली फिल्म, और ये थोड़ा डिफरेंट एंगल पे है। एंड दे अप्रोच मी फॉर द सेम रोल, तो आई थॉट के आई विल गिव अ डेफिनेटली अ थॉट। देन एक दिन लिया मैंने, एंड आई सेड के मुझे नाम अच्छा लगा, मेकर्स अच्छे लगे, इनका पुराना काम अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद एक फिल्म का टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंगल दिखाने का अलग है, और अगर मुझे एज एन एक्टर दोनों फिल्मों से कुछ नया करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहूँगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नज़रबंद। जी जी नहीं, पूरी पास पूरी बाउंस स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास। जी देखिए, मुझे इस ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट के बहुत सारे एंगल्स से, बहुत सारी इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, और उस सब्जेक्ट से एक फिल्म ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, तो यही चीज़ थी, बट दे आर शोइंग मी इन डिफरेंट वे, एंड मुझे डिफरेंट तरीके से बताया गया, और वही बताया गया कि ऑडियंस को भी डिफरेंट तरीके से दिखाया जाएगा, बिकॉज जो दूसरी फिल्म है वो लव स्टोरी के एंगल पे है, और ये फिल्म जो है बहुत रियलिटी बेस पे है। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बट मैंने डायरेक्टर से मिला, बहुत सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए, और उनका प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन मेकिंग, सारी चीज़ें देखी मुझे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मुझे लगता है कि मैं शायद ट्राई करूँगा कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूँ अगेन। जी देखिए, मैं अभी करेंटली न्याय द जस्टिस के साथ साथ मैं एक वेब कर रहा हूँ, वेब के बाद फिर मेरी और 3 फिल्में लाइंड अप हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एज एन एक्टर कमर्शियल लेवल पे और नॉन कमर्शियल लेवल पे दोनों तरीके से वर्सेटाइलिटी दिखाऊँ, और कोशिश यही करता हूँ, चाहे टीवी में दिखाई हो, चाहे वेब में दिखाई हो, चाहे फिल्म में दिखाई हो, तो आई ट्राई टू डू दैट। एंड उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज एवरी मेकर की डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है, और हर इंसान चाहता है कि वो अपना अच्छा काम निकाल के दिखाए, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ, चाहे जो भी कैरेक्टर हो, क्योंकि वेब में मैं कॉप कर रहा हूँ, फिर एक मैं लवर बॉय हूँ, अभी एक धड़के दिल बार बार मेरी नेक्स्ट ईयर जैन में रिलीज़ हो रही है, उसमें आई एम प्लेइंग फर्स्ट टाइम एंटेगनिस्ट इन अ फिल्म, तो हर चीज़ में दिखा सकूँ, वर्सेटैलिटी दिखा सकूँ, और एक एक जिसको बोलते हैं ना, एक ही चीज़ करने वाला स्टैम्प मेरे ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पे लगे, तो आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट, रेस्ट इज ऑन ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस इज अल्टीमेट। या जी जी, देखिए, आई एम दैट काइंड ऑफ एक्टर हु ऑलवेज ट्राई टू मेक रूटीन्स इन अ डेली बेसिस। मैं जब लॉकडाउन नहीं था, तब भी मैं बहुत डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ जो एक रूटीन में लाइफ जीता है। जब लॉकडाउन का सिनेरियो आया तो बहुत मुश्किलें आईं, बट द थिंग इज़, मैंने उसी अपने एक ही 24 घंटे में उस 24 घंटे का एक रूटीन बनाया, चाहे मैं घर पे रहा, मैंने वर्कआउट किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने मूवीज़ देखी, मेकिंग ऑफ मूवीज़ देखी, मैंने बहुत सारी बारीकी से अपने ऊपर काम किया, और मुझे लगता है दिस लॉकडाउन इज़ अ ब्लेसिंग जो हम लोगों के बीच में हुआ, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ये समझने को मिली कि कौन ज़्यादा क्लोज है आपके, कौन अपना है, और कौन सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखता है। तो आई नेवर टेक इट लाइक दैट, माई दैट जैसे कि ग्लास है, तो मैं ऑलवेज टेक इट लाइक कि ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, वो आपके ऊपर है देखना, तो ऑलवेज टेक इट लाइक कि आधा भरा हुआ है। मैं ऑलवेज आई एम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ गाय हु ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग, तो इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में वो जो सीखा हूँ उसको अपनी एक्टिंग में, अपने काम के जरिए लोगों को दिखा सकूँ।